सुजाता। हाँ। वो आरती वाली किताब कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही है। वही देखिए, वही होगी। यहाँ कहाँ? शुरू हो जाओ। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी द्रुत पाशांकुश पुष्प बाण चापाम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यवान है बेटा। सुपर दामाद जी, आपसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ के बारे में आपकी राय चाहिए। जब से शैलजा आई है सिद्धार्थ के स्वभाव में काफी बदलाव आया है। फर्क तो पड़ेगा ना, दोनों प्यार जो करते हैं। मतलब ऐसी तिकड़म करनी चाहिए कि ये बदलाव हमेशा के लिए हो जाए और तिरुपति वाली लड़की को वो दिल से निकाल दे। बच गए। सच कहें तो शैलजा ने सबका दिल जीत लिया। अगर वो हमारे घर की बहू बने तो बहुत अच्छा होगा। क्यों रामाराव, इसके पापा तुम्हारे दोस्त है ना? लड़की का नाम शैलजा है, मेरे दोस्त परफ्यूम प्रसाद की बेटी है, वो दुबई में रहता है, यहाँ इंटरव्यू देने। मुझे उसे बात करनी है, जल्दी से उसे फोन लगाओ। अरे भैया, उसी का फोन आया है। हेलो। अरे रामाराव, मैं सुबह यहाँ आया हूँ परफ्यूम लगा के। अरे वाह, सनसाइन रिसॉर्ट में रुका हूँ, मुझसे मिलने आ जाना। अरे सिर्फ मैं क्या, मेरे घर के सभी लोग तुमसे मिलने आएंगे। एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? अरे नहीं, फोन पर नहीं, खुद आके बताऊंगा। भैया वो खुद यहाँ पर आ गया है, सनसाइन रिसॉर्ट में रुका है। अच्छा है, चलो आज ही मिलके आते हैं। कुछ ससुर साहब, आज का मुहूर्त अच्छा है लेकिन कल का मुहूर्त और भी अच्छा है, इसलिए कल चलेंगे। इस शुभ काम के लिए सब लोग मिलकर चलेंगे। ओके। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और देखो तुम वहाँ क्या कर रहे हो। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? टेंशन हो गया है, वो परफ्यूम प्रसाद अचानक दुबई से आ गया है। बाप रे, ये तो बहुत डेंजर खबर है। अगर चाचा उनसे मिलने पहुँच गए तो हमारी शादी कैंसिल समझो। मेरी बात सुन, शैलजा के लिए डुप्लीकेट माँ बाप अरेंज करने पड़ेंगे, ऐसा लगे कि दुबई से आए। इतनी जल्दी माँ बाप? हाँ, मैं एक आर्टिस्ट को जानता हूँ। कौन है? एक्चुअली वो लोग डुप्लीकेट है। जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है वो लोग उसका फ्री मेक बनाते हैं। ये मूवी लो बजट में होती है और इसे सिर्फ गाँव में दिखाया जाता है। इस रोल में वो फिट बैठेंगे लेकिन पैसे के थोड़े लालची। होने दे, बजट जो भी है बुला ले। Nice hairstyle. 24/7 तेरे बारे में टेंशन ले लेके मेरे सर का ये हाल हो गया है। तेरी तो hey! एक बुड्ढा टकला जिसका नाम है कटप्पा, मेरी तरह वैसे घूर रहा है जैसे उसकी वाइफ मेरे साथ हनीमून पर गई हो। मेरी फैमिली हिस्ट्री कब बताओगे? कब बताओगे? कब बताओगे? कब बताओगे? कब बताओगे? भाई जेल में है, बहन तड़िपा रहे, और कुछ जाना है तेरे को? मुझे जन्म देने वाली कहाँ है? वो देख, सामने लकड़ी चुन रही है। वो औरत? हाँ।
लेकिन वो तो मेरी नानी लगती है। प्रोड्यूसर का चेक बाउंस नहीं हुआ होता तो फेशियल करवा कर तेरी छोटी बहन लगती। लाइटर चोरी करके लकड़ियों को जलाकर अपने बाप के दुश्मन देवड़ू को भस्म कर डाल। उसके लीवर किडनी को चोर बाजार में बेचकर रात को पार्टी करेंगे। You mean am I? Sivudu, son of Sahubali. Sahubali, Sahubali. Balal Deva. क्या हुआ मॉम, गला क्यों फाड़ रही हो? क्या यही है वो स्टूपिड बलाल देवा? प्रोड्यूसर का साला है इसलिए स्ट्रॉन्ग रोल इसे मिल गया। इसकी तो पूरी फैमिली का नक्शा बिगड़ा हुआ है। ए तू चुप कर बलाल देवा, 50x100 के किले को बचाने की तैयारी करो। गो चेंज द कॉस्ट्यूम। आर यू मैड? ये सच का किला नहीं है, फालतू का किला है, बुड्ढे को भेजो। अरे फाइटिंग सीन, पिटने का सीन, कॉमेडी सीन सब मैं ही करूं। जब तक मुझे किसिंग सीन नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। इनफ कटप्पा, यू हैव टू गो। इसे सीधे नर्क पहुंचा दो। यही वो दुष्ट है जिसने मेरी सेल्फीज को डिसलाइक किया है। ये गाली दे रहा है क्या? ये कह रहा है कि तुम्हारी माँ को मॉडल होना चाहिए, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में भेजना चाहिए। If you want, then go and kill her. You are most welcome. कह रहा है पहले इसे ही मार दो। तेरा वाद मैं ही करूंगा। जय बासमती राय। जय बासमती। जय बासमती। बासमती। थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू। हाय जगन। हाय चंदू। मस्त एक्टिंग की। हाय। ये मेरा फ्रेंड है सिद्धार्थ। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। आई एम जगन द रेकलेस स्टार। आई एम ब्रेनलेस स्टार। क्या परफॉर्मेंस है, फिल्म कहाँ रिलीज होने वाली है? ये अभी कई लैंग्वेज में डब होने वाली है। 300 करोड़ तो पक्के हैं। हाँ, वैसे शॉर्ट मेमोरी की वजह से हम सबको भूलने और उल्टे डायलॉग बोलने की बीमारी। ओके ओके ओके, आपके परफॉर्मेंस में तो फायर थी। कल ऐसा ही फाड़ू परफॉर्मेंस मेरी फैमिली के सामने भी देना। 2 मिनट नूडल की तरह साहूबली से परफ्यूम प्रसाद बन जाना। समझ लो अभी परफ्यूम प्रसाद से ही बात कर रहे हो। मैं चाचा बन जाऊंगा और ये चाची। जलवे दिखाओ। ये लाइव परफॉर्मेंस है सर, हर इमोशंस के अलग अलग रेट है। TDS काट कर ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ये वही नाटक मंडली है क्या? हाँ। दुबई के नहीं डोंगरी के लगते हैं। इतनी पेमेंट में अमिताभ और ऐश्वर्या आएंगे क्या? अपने अपने कैरेक्टर में रहना, डायलॉग तो याद है ना? डायलॉग छोड़, अभी मेरी परफॉर्मेंस देख। अरे सिद्धार्थ। जी चाचू। तूने कहा था ना कि मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, जरा उस पर रोशनी डाल और बता परफ्यूम प्रसाद कौन है। जो भी होगा वो आपको पहचान लेगा ना। जल गई बत्ती। गुड रामू, तुमने एकदम सही कहा भैया। इनको भी अल्जाइमर है क्या? एक मिनट रामू, आई लव यू। हम लोग तो 20 साल के बाद मिले हैं, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। भाई साहब, आपके लिए एक टोकरी परफ्यूम लेकर आए थे, जानते हैं रास्ते में ही खत्म हो गई। ये परफ्यूम बनाते हैं पर शायद चेक करने में खत्म हो गया। अरे क्या कर रहे हो, मैं हूँ रामा राव। आया ना गुस्सा, मुझे 24 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए, लेकिन तुम्हें मिलने के लिए अब टाइम मिला। तुम ही रमा रहो, मैं जाता हूँ। देखा, ये नाटक कर रहा था। नाटक करना हमारा पेशा है। अरे भाई, सारी बातें क्या खड़े खड़े कर लोगे, अंदर भी आ जाओ। पहले तुमने गड़बड़ की, अभी मत करना। तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। मेरा भाई हमेशा आप लोगों की बातें करता है। हमने तो कल पहली बार उनका नाम सुना। इनका मतलब है कि कल ही चाचा ने आपके बारे में बात की है, उसकी बात। आपका बिजनेस? मतलब मेरा? सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका। सेपरेट बिजनेस है क्या? हमारी लिमिटेड कंपनी है, इसकी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। यहाँ पर मेरी वाली बेटी कौन सी है? ये किसे माँ बाप का रोल दे दिया? क्या मतलब, अपनी बेटी को नहीं पहचानते? ये क्या मम्मी, कुछ दिन फोन नहीं किया तो आप तो मुझे भूल ही गई। खड़ी क्यों हूँ बेटी, पापा के पहुँचो। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए पापा। अपने पापा को भूल गई बेटी। मैं आपके पैर नहीं छूने वाली। मुझे हर रोज फोन करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एक बार भी फोन नहीं किया। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे पापा हैं। पर बेटी जैसा प्यार कहाँ करते हैं? क्या पकाओ ड्रामा है, होप खाना तो इंटरेस्टिंग होगा। आपका बेटा है? ना जी, मेरे MD का बेटा है। ये क्या, MD क्यों बुला रही, उनका नाम ले तू। एक्चुअली ये मुझे प्यार से MD बुलाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जौहर करण। और तुम्हारा नाम? अख्तर फरहान। दरअसल ये भाग मिल्खा भाग देखते हुए पैदा हुआ था। वो तो 4 साल पुरानी फिल्म है। अरे आप फिर भूल गए, ये तो रॉक ऑन के जमाने से उसकी फैन है ना। वो क्या है कि मैं फरहान के डाई हार्ड फैन हूँ ना। जिसके लिए यहाँ आए थे उसके बारे में बात करें। एक बात करनी थी, आपकी प्यारी बेटी 1 हफ्ते से हमारे घर में है, काफी घुल मिल गई है। हाँ? इतने दिनों से सिर्फ घुली मिली है,
मैं होती तो जोक की तरह सबसे चिपक जाती। इसका मतलब है कि दो दिन में सबका दिल जीत लेती। अगर आप सहमत हैं तो अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? चलो। तुम इसे प्यार करती हो? मेरे लाड प्यार का ये सिला दिया। बचपन में तुम्हें पोलियो के ड्रॉप्स अपने हाथों से पिलाए थे और अब तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे पॉइजन के ड्रॉप्स पीने पड़ेंगे। मेरी नाक कटवाओगी क्या? अगर तुम्हें उसकी अंगूठी पहननी है तो मेरी डायमंड रिंग इसी समय उतार दो। जाइए, मैं नहीं उतारती। उतार इसे, उतार, उतार। नाउ यू वेट, माय टर्न। अरे तुमने अपने इस अंकल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? जब तुमने 5 रुपए की कुल्फी मांगी तो मैंने 25 रुपए की चोकोबार खिलाई। जब तुमने डॉल मांगी तो मैंने बारबी का सेट लाकर दिया। और तुमने हम सबको इग्नोर करके इस लुक्खे से प्यार किया। अगर तुम्हें इनकी ओरिजिनल गोल्डन चेन पहननी है तो हमारी दी हुई ये नकली चेन तुम्हें अभी के अभी उतारनी होगी। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? निकालो। पहले पूरी बात तो सुन लो। आपको गलतफहमी हुई है, ये आपस में प्यार नहीं करते। वो मैं खुद ही चाहता था कि इनकी शादी हो जाए। इस बारे में शैलजा को भी कुछ नहीं पता। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इनकी शादी के लिए हाँ कह दीजिए। ठीक है, पहले पेमेंट की बात हो जाए। नो प्रॉब्लम सिद्धार्थ। ए, क्या जरूरत थी पापा के सामने ओवर एक्टिंग करने की? इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा तो सीधे क्लाइमैक्स सीन पर आ गए। हमारे एक्टर होने का फायदा क्या हुआ? देखो भाई सिद्धार्थ, तुमने जितना पैसा दिया था उतनी डायलॉग डिलीवरी हो गई है। एक्स्ट्रा डायलॉग के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए? नॉन एक्टर साला। प्रसाद जी, हमारी तरफ से कोई जल्दी नहीं है। आपस में डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद जवाब देना। हम इंतजार कर लेंगे। सिद्धार्थ चलो। देख लूंगा, लगता है प्रोड्यूसर बदलना पड़ेगा। हाँ सोचते हैं। देखो आज हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा, समझ गए? चलो मेरे साथ। ए, रुक जा। आज ये मेरी बीवी है। तुम्हारी नकली बीवी है, मेरी टाइम पास गर्लफ्रेंड है। ले जा।